हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक कैश। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज पबजी मोबाइल के अंदर M15 रॉयल पास का V3 आज ओपन हुआ है, तो उसके अंदर यहाँ पे एक मिशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हूँ। तो यहाँ पे RP के अंदर मिशन में आप लोग देखो, एलाइट एड 7 फ्रेंड्स। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को 7 फ्रेंड ऐड करने हैं और इसके आपको 100 RP पॉइंट मिलने वाले हैं। बट इसके आगे यहाँ पे लिखा है एलाइट, तो इसका मतलब ये है कि इस मिशन को आप लोग यहाँ पे करोगे तो आपका मिशन कंप्लीट तो हो जाएगा, बट इसको कलेक्ट आप लोग तभी कर पाओगे जब आप लोगों ने रॉयल पास परचेस करी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो फ्रेंड लिस्ट के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप लोगों की पहले से रिक्वेस्ट पड़ी हो तो उसको आप लोग यहाँ पे एग्री कर लो और इस तरीके से आप लोग फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास 3 रिक्वेस्ट थी तो तीनों को यहाँ पर मैं एग्री कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पर 3 फ्रेंड मेरे अंदर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट ना हो तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप लोग रैंडम में मैचेस खेलो ऑटो मैचिंग में, और जो ऑटो मैचिंग से बंदे जुड़ते हैं उनको भी आप लोग रिक्वेस्ट भेज के फिर उनको बोलो एक्सेप्ट करें। तो गाइज इससे भी आप लोग फ्रेंड ऐड कर सकते हो। उसके बाद भी गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँ, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा कोई फ्रेंड देखो जिसके साथ आपकी सिनर्जी पॉइंट कम हो, या फिर आप लोग ऐसी कोई दूसरी आईडी देखो जिसके साथ आप लोग ये ट्रिक कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देखो मेरे फ्रेंड लिस्ट में E1 मिनट है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि उस बंदे की आईडी कॉपी कर लेनी है जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में हो। तो यहाँ पे मैं E1 मिनट की प्रोफाइल पर क्लिक करके इसकी आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। आईडी कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पे मैं इसको अनफ्रेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, तो मेरे फ्रेंड लिस्ट से ये यहाँ पे अब चले गए हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि वापस इनको यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगी। तो आप लोग प्लस पे क्लिक करके इनकी आईडी जो आपने कॉपी करी थी वो पेस्ट करके भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या फिर आपके साथ यहाँ पे लॉबी में खड़े हो तो उनके नाम के ऊपर ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो इन्होंने एक्सेप्ट करी, तो वापस मेरे फ्रेंड लिस्ट में ये ऐड हो चुके हैं। उसके बाद वापस मैं इनको अनफ्रेंड करूंगी और वापस रिक्वेस्ट भेजूंगी, उसके बाद वापस अनफ्रेंड करूंगी और वापस रिक्वेस्ट भेजूंगी। इस प्रोसेस को आप लोग टोटल 7 बार कर सकते हो। आप लोग 7 बार यहाँ पे अनफ्रेंड करो और 7 बार आप लोग रिक्वेस्ट भेज के उनको बोलो कि एक्सेप्ट करें। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे एक ही फ्रेंड को 7 बार ऐड करोगे तो भी आप लोगों का मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सारे तरीके हैं जिससे आप लोग यहाँ पे 7 फ्रेंड को ऐड कर सकते हो। आई होप आप लोग मिशन को अच्छे से समझ गए होगे। चलेगा इस वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।